और नए भारत के 2020 में आगे बढ़ते हैं। देश भर में होली के त्योहार का रंग चढ़ने लगा है। आज होली का दहन है। होली की कई रंग बिरंगी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। लेकिन पहले बात दिल्ली में दंगे की साजिश से जुड़े नए खुलासे की करते हैं। कल दिल्ली से आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। पुलिस को क्या पता चला है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जहां जैद सामी और हिना बशीर बेग ये खुद को पति पत्नी बता रही हैं। लेकिन इन दोनों की साजिश के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक दोनों आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं। हमारे पास काफी दिनों से एक इन्फॉर्मेशन थी जिस पे काम चल रहा था, और उस इन्फॉर्मेशन के चलते आज एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि जामिया नगर उखला में एक कपल रहता है जो कश्मीरी कपल है, और इनका ताल्लुक जो है आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस, आईएसआईएस का जो खुरासान प्रोविंस का मॉड्यूल है उससे है। इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर रेड की गई थी। इनके घर से कुछ इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह मिले हैं। दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं। वहाँ इंटरनेट पर बैन लगा तो ये दिल्ली के जामिया नगर में आकर रहने लगे। दोनों नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसा रहे थे। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है वो ये है कि इनका इस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक था और कई लोगों से इस ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड थे। जो लिटरेचर है वो काफ़ी रेडिकलाइज किस्म का लिटरेचर है, जिसमें देश के खिलाफ और बाकी कई सारी कम्युनिटीज़ के खिलाफ लिखा गया है, और सीए के अगेंस्ट एंटी सीए प्रोटेस्ट है उसको भी इंस्टिगेट करने की बातें लिखी हुई हैं। जहाँ जैद सामी और हिना बशीर बेग दोनों काफी पढ़े लिखे हैं। दोनों ने एमबीए किया हुआ है और अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर चुके हैं। यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा करने वालों को लखनऊ के चौराहों पर पोस्टर लगाए गए। उनसे हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना वसूलने का आदेश सरकार ने दिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत होर्डिंग्स हटाने के साथ ही प्रशासन से इस मामले में हलफनामा मांगा है। लखनऊ के चौराहों पर नागरिकता कानून के नाम पर हिंसा करने वालों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगी थी। ये वो लोग थे जिनसे सरकार जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। रविवार को हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि किस कानून के तहत ऐसे लोगों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगाए जा सकते हैं। यस बैंक के मामले में सरकारी एजेंसियों ने अब अपने एक्शन को तेज कर दिया है। यस बैंक के फाउंडर को ईडी ने हिरासत में लिया है। वहीं सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। यस बैंक पर आए आर्थिक संकट के बाद अब एजेंसियों ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है और 11 मार्च तक हिरासत में उनसे पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ राणा कपूर के परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। यस बैंक मामले में सीबीआई ने आज कई जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की। इस दौरान डीएचएफएल से जुड़े ठिकानों को भी सर्च किया गया। सीबीआई जिन स्थानों पर छापेमारी करने पहुंची उनका ताल्लुक राणा कपूर से है। इसके अलावा मुंबई के बांद्रा में मौजूद एचडीआईएल के टावर में भी सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं यस बैंक के संकट को लेकर राणा कपूर के साथ उनका पूरा परिवार भी शक के दायरे में आ चुका है। इस बीच उनकी बेटी रोशनी कपूर भारत छोड़ने की फिराक में थी और वो मुंबई एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी, लेकिन रोशनी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से होली का जोश और उमंग इस बार पहले जैसा नहीं है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो होली में लोगों के बीच जाए या नहीं जाए। इस बीच कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 43 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी को लेकर यह मीटिंग हुई। इससे पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सीएम के साथ बैठक की थी। कल तक हमारे पास 39 पॉजिटिव केसेस थे, अभी आज 4 उसमें केसेस और ऐड हुए हैं, तो अभी हमारे पास 43 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 3 ठीक होकर केरल के जा चुके हैं घर अपने, उनकी हमारे पास। जम्मू से इसके अंदर ये केस ऐड हुआ है। दिल्ली में 25 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आज केरल में 3 साल के बच्चे को कोरोना से संक्रमित पाया गया, जबकि जम्मू में 63 साल की महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस
वायरस को लेकर पूरी दुनिया में दहशत बढ़ गई है। कतर ने अपने देश में और भारत समेत 19 देशों के नागरिकों के आने पर पाबंदी लगा दी है। दोपहर तक दुनिया में 3,841 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण से हो चुकी थी। ये आंकड़ा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से शुरू हुए इस जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 100 से ज्यादा देश आ चुके हैं। कोरोना के संक्रमण के मामले में चीन के बाद इटली है। इटली के बाद ईरान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीनी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी वाले देश अमेरिका में भी ये गंभीर रूप से फैल चुका है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 213 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। उधर बिहार की सियासत में एक नई बात सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार लंदन में रहने वाली एक लड़की ने चुनौती देने का ऐलान किया है। रविवार को बिहार के अखबारों में एक एड छपा। एड में एक लड़की की तस्वीर है और कुछ ऐलान भी। इस लड़की का नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। इस लड़की ने बिहार के लिए प्लूरल्स नाम से एक पार्टी का ऐलान किया है और खुद को इसका अध्यक्ष लिखा। पुष्पम प्रिया ने खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बताते हुए ऐलान किया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देंगी। और अब आपको इस लड़की के बारे में कुछ और बताते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं। दरभंगा में पली बढ़ी हैं और पुणे से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन में पढ़ाई की है। पुष्पम फिलहाल लंदन में ही रहती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया है, लेकिन उनकी बेटी क्या करना चाहती है इसका फैसला वो खुद करेगी। पार्टी के शीर्षस्थ नेता को वो चैलेंज कर रही है और पार्टी हमको समर्थन करेगी, इसका तो सवाल नहीं। जो बालिग है, शिक्षित है, उसका अपना निर्णय है। दिल्ली हिंसा से जुड़े 3 मामलों में गिरफ्तार पार्षद ताहिर हुसैन के भाई को हिरासत में लिया गया है। शाह आलम को पुलिस ने आज दोपहर में गिरफ्तार किया। शाह आलम पर चांदबाग हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस शाह आलम से अंकित शर्मा मर्डर केस में पूछताछ कर रही है। शाह आलम की तलाश कई दिनों से पुलिस कर रही थी। इससे पहले ताहिर हुसैन को पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था। 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 आतंकी के अभी भी छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। आज शोपियां में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। कल पुलिस शोपियां को पता चला था कि शोपियां में एक विलेज है रेवन, वहाँ पर 2 मिलिटेंट छिपे हुए, तो पुलिस आर्मी सीआरपीएफ सारे इलाके कंट्रोल कर लिए। आज मॉर्निंग में वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया और इनकाउंटर चला, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और दोनों मिलिटेंट का डिबोटी मिल गया और आईडी पहचान अभी की जा रही है। पूरे इलाके को घेर कर तलाशी ली जा रही है। सेना को आशंका है कि इलाके में और आतंकी छिपे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़कर बेवजह फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से आज पुंछ के शाहपुर और किन्नी सेक्टर में रिहायशी और सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, मोर्टार दागे गए। इससे पहले रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने इन्हीं सेक्टरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, सीज फायर का उल्लंघन किया था। सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, हमारी सेना ने भी उसी रेंज के हथियारों से पाकिस्तान की सीमा पर गोले बरसाए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना पुंछ, मेंढर, मनकोट, बालाकोट और शाहपुर किन्नी सेक्टर से घुसपैठ करवाने की कोशिश में है। और होली के रंगों के साथ हंसी मजाक और शरारत का त्योहार आ चुका है। प्रयागराज में होली को लेकर गजब की मान्यता है। यहाँ होली से पहले हथौड़े की बारात निकलती है। प्रयागराज में एक अनोखी बारात निकली। बैंड बाजा लाइट बाराती सब थे, लेकिन दूल्हे की जगह इस बारात में एक बड़ा हथौड़ा नजर आ रहा था। ये प्रयागराज की अनूठी परंपरा है। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ बारात निकलने से पहले की तैयारी की जा रही है। बारात निकलने से पहले हथौड़े से गुलाल से भरे कद्दू को तोड़ा जाता है, फिर शहर की गलियों में ये बारात घूमती है। इस हथौड़े की बारात में सैकड़ों लोग बैंड बाजे के साथ शामिल होते हैं, डांस भी होता है। इस परंपरा का संदेश संसार की बुराइयों को खत्म करना है। संगम नगरी में इसी के साथ शुरू हो जाती है रंग पर्व होली।
राजस्थान के बीकानेर में होली से पहले एक अनोखे फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। इस मैच में शामिल होने वाले खिलाड़ी तरह तरह का रूप बनाकर खेलते हैं। इस मैच में एक तरफ लोग भगवान के वेश में होते हैं तो दूसरी तरफ कई राक्षस भी होते हैं। इस बार फुटबॉल मैच में कोरोना वायरस का रूप भी नजर आया। इस बार होली में हर जगह कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है। मुंबई में कोरोना सुर को होलिका की तरह जलाया जाएगा। मुंबई के इस कोरोना सुर को अब से कुछ देर बाद जला दिया जाएगा और भगवान से कामना की जाएगी कि हिंदुस्तान से भी कोरोना की विदाई हो जाए। इस कोरोना सुर को देखने के लिए लोग दूर दूर से मुंबई के वर्ली के बीडीडी चौल पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के पुतले के दहन का मकसद जागरूकता फैलाना भी है। होलिका दहन के लिए वर्धा हिंगन घाट के दुष्कर्म के आरोपी का पुतला भी बनाया गया है। वर्धा के हिंगन घाट में 3 फरवरी को सिर फिरे आशिक ने महिला टीचर को जिंदा जलाया था। एक हफ्ते बाद इलाज के दौरान उस महिला टीचर की मौत हुई थी। कोरोना से बचने के लिए लोग कई तरह के मास्क भी पहन रहे हैं। यूपी के हमीरपुर में एक खास तरह का मास्क काफी डिमांड में है। होली पर तरह तरह के मुखौटों की जमकर बिक्री होती है, लेकिन इस बार लोग मुखौटे इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसे पहनकर केमिकल वाले रंग और कोरोना दोनों से बचा जा सकता है। हमीरपुर के मार्केट में अलग अलग किस्म के मुखौटों की भरमार है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड में है मोदी मास्क। दुकानदारों के पास स्टॉक खत्म हो रहा है, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है। अब पटना की बात करते हैं। होली का खुमार वहां भी चढ़ चुका है। कई जगहों पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी होली मिलन का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने भी डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नए भारत का 2020 देख रहे हैं आप। शिरडी के साई बाबा मंदिर में होलिका दहन उत्सव मनाया गया। शिरडी में परंपरा के अनुसार होलिका देवी की पूजा की गई और होलिका दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ऐसी प्रार्थना की गई। साई बाबा मंदिर परिसर के गुरुस्थान मंदिर के सामने होलिका दहन किया गया। यहाँ की परंपरा के अनुसार गन्ना दहन किया जाता है। होलिका को फूलों की माला पहनाई जाती है और देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम मची हुई है। मथुरा और वृंदावन की होली तो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ होली उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है, जो होली तक लगातार 8 दिन जारी रहती है। लठमार होली हो गई, फूलों की होली, इसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग हर साल पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में भक्त बांके बिहारी के साथ होली खेलने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन सहित बांके बिहारी मंदिर में तो भक्तों पर होली का ऐसा रंग चढ़ा कि सब कुछ रंगों से सराबोर हो। और वाराणसी में कोरोना वायरस से बचने के लिए एक होली गीत गाया जा रहा है। इस गीत के माध्यम से होली खेल रहे लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है, क्योंकि आमतौर पर बनारस की होली हुड़दंग वाली होती है, जिसमें लोगों को एक दूसरे को न सिर्फ रंग लगाते देखा जाता है बल्कि गुलाल लगाकर गले मिलते भी देखा जाता है। लेकिन इस बार होली मन तो जरूर रही है, लेकिन कुछ अलग अंदाज। बनारस में फगुआ की मस्ती दिखने लगी है। गंगा घाटों और नावों पर होली गीत गाए जा रहे हैं, जिनको हम आपको दिखा रहे हैं।